साहब और यहाँ जितने सीनियर ऑफिसर और मेरे विभाग के जो सीनियर साइंटिस्ट सब आया हुआ है, हम सब के मौजूदगी में MOU जो साइन हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरुणाचल आप सबको मालूम है ये ऐसा एक भू विभाग है, ये अरुणाचल ऐसा ज्योग्राफिक लोकेशन है, ये साइंटिफिक रिसर्च के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। हिमालयन रीजन है, यहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है, अल्पाइन भी है, डीप फॉरेस्ट से लेकर के बहुत बड़ा बड़ा वैली से लेकर के बहुत ऊंचा पहाड़ तक सब अरुणाचल में है। यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ का जो क्लाइमेट स्टडीज़ को लेकर के और अरुणाचल का फॉरेस्ट्री के बारे में, अरुणाचल का ज़मीन का अंदर में जो हमारा जोमोरफोलॉजी है, ये सब स्टडी बहुत कुछ रिसर्च करने का है। अब ये सेंटर के माध्यम से खास करके हमारे जो मेरे डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा इसमें, और आने वाले दिन में मैं समझता हूँ हम लोग क्लाइमेट स्टडीज़ को लेकर के यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग को तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिकता देना है, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग ये आम आदमी का साथ डेली लाइफ का ये संबंध है। कब बारिश होगा, कब धूप खिलेगा, कब तूफान होगा, कहाँ फ्लड आने वाला है, कहाँ सूखा होने वाला है और किस जगह में क्या घटना होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगा, प्रेशर क्या रहेगा, आजकल ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके बिना ज़िंदगी जो है आप ठीक से प्लान नहीं कर पाता है। जैसे पहले में हमारे किसान लोग कब उसको उगाई करना है, कब काटना है नहीं मालूम, वेदर क्या बिहेव करेगा, और जो लोग झूम खेती करते हो तो और भी हालत ख़राब होता है, काट देता है जलाने के लिए, उसको टाइम मालूम नहीं है कब धूप आएगा कब बारिश आएगा। विद इन एक साल डेढ़ साल के अंदर में हम लोग पूरा वेल इक्विप करेंगे। तो आज हमने घोषणा किया है 3 डोपलर वेदर रेंज हमारा यहाँ हम इस्टाब्लिश करेंगे, तो उसमें वेदर लॉन्ग टर्म का फोरकास्ट और शॉर्ट टर्म दोनों हम लोग फोरकास्ट कर पाएंगे, यानी कि अगले महीने कब बारिश होगा ये भी हम बता पाएंगे, और नेक्स्ट एक दो दिन का तो वो तो बहुत ही एक्यूरेट बता देंगे कि 5 बजे बारिश होगा कि 3 बजे बारिश होगा या 5:05 में बारिश होगा क्या, इतना तक परफेक्शन जाएगा आगे। ये सारा साइंटिफिक जो हम लोग यहाँ सपोर्ट सिस्टम दे रहा है, इससे अरुणाचल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आर्ट साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम होने वाला है। सर, आज जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो उसका ऊपर आई वांट टू रेज द क्वेश्चंस ऑन द डाइंग रिवर बेड्स ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। सर, जैसे कि अभी वहाँ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड वी हैव सीन दैट ऑल द रिवर स्ट्रीम्स आर डाइंग, तो अभी आपका क्या प्लान है उसको? रिवर स्ट्रीम का जो कमी होना या डाइंग रिवर, उसका बहुत बड़ा कारण एक तो क्लाइमेट चेंज है और कई कारण होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, वहाँ जहाँ कैचमेंट एरिया में डिस्ट्रॉय होता है एनवायरनमेंट, बहुत चीज़ होता है, ये तो डिटेल्स हम लोग बात करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करना है। लेकिन नदी जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी होगा तभी जीवन होगा। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से कैसे हमारा लाइफ को सस्टेनेबल तरीके से जिए, ताकि डेवलपमेंट भी होते रहे और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्शन हो, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो मिशन लाइफ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिशन लाइफ जो हम लोगों को एक प्रेरणा दिया है कि कैसे आपका ज़िंदगी सरल जीना चाहिए, सिंगल प्लास्टिक यूज़ नहीं करना, और हम कैसे करके पोल्यूशन फ्री जिंदगी जिए, ये सारा चीज़ को मिशन लाइफ का जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का पैगाम है उसको लेकर के सब मानना चाहिए। है कि हम लोग अरुणाचल में अभी ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का एक्सपांशन करेगा नेटवर्क, ये दो विशेषता है, प्लस मेरा यहाँ का जो साइंटिस्ट है उन सबों को मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस से ट्रेनिंग देगा टाइम टू टाइम और उसको स्किल डेवलपमेंट कराएगा। ये बेसिक 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसमें हम लोग आज ने MOU साइन किया। डिटेल्स सर विल शेयर। अच्छा ताकी साहब, एक चीज़ बताइए, क्योंकि किरण रिजिजू जो हमारे यहाँ का MP है और प्लस यूनियन मिनिस्टर भी है, तो कितना बेनिफिट आप लोग उठा सकता है यहाँ इस बार कब, क्योंकि हो सकता है कि चुनाव के बाद दूसरा मंत्रालय फिर मिल जाए? नहीं, ऐसे नहीं है, रिसर्च साइंटिफिक फील्ड में जो भी मंत्री हो, लेकिन हाँ मंत्री हमारे अपना MP साहब है तो डेफिनेटली बहुत सारा बेनिफिट मिलने जा रहा है। स्पेशली वी थॉट ऑफ डूइंग सम जो थर्मल जो एनर्जी रिसोर्सेज है अरुणाचल में अवेलेबल है, इसका जो पोटेंशियल है 16 GW का,
तक मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो एज ए पर आपका जो पायलट प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन तवांग डिस्ट्रिक्ट, वी हैव आइडेंटिफाइड सम ऑफ द हॉट स्प्रिंग एरियाज, तो वहाँ पे देखा गया कि पोटेंशियल है। तो इसके लिए अभी हम लोग जो है मिनिस्ट्री ऑफ ये क्या बोलते हैं न्यू रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग का गेव फंडिंग मिल रहा है, प्लस उसके बाद ये नॉर्वे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनका थ्रू से हम लोग टेक्निकल एक्सचेंज करके हम लोग इनका वो करेंगे, अध्ययन करेंगे। स्टेशन का प्रपोजल था हाँ, लोकेशन कहाँ का हुआ? लोकेशन तो अभी मंत्री साहब खुद अनाउंस करके गया है, एक बोला है बोमडिला और एक बोला है पासीघाट, एक बोला लॉन्डिंग साइड में करने के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी हम लोग डिप्टी कमिश्नर को लेटर लिखेगा कि लैंड लेने के लिए आलो 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 साइड आलो में। तो लगता है मेट्रोलॉजिकल भी बहुत सारा इम्प्रूव हो जाएगा। अरुणाचल में आप देखिए जरा तो एयर क्रैश किस लिए होता है, क्योंकि जब लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड जाता है तो वेदर का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत सारा चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाता है विद इन नो टाइम में। आपका जैसे क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाता है, ऐसे करके बहुत सारा एयर क्रैश भी हो है। तो प्रोसेस डाटा हम लोग को ग्राउंड से नहीं मिल रहा था बिकॉज लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अभी IMD का थ्रू से हम लोग का 100 AWS मिला है, जगह जगह आइडेंटिफाई किया, NOC भी मिल गया, वहाँ पे काम चल रहा है। ऑलरेडी वी हैव कम्प्लीटेड 21 लोकेशन, ऑलरेडी ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन हम इंस्टॉल कर चुका है। तो फर्दर करेगा क्योंकि अभी मानसून सीजन के कारण से मतलब मटेरियल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं फिर भी जितना हो सके जल्दी जल्दी इसको इंस्टॉलेशन कर देगा। तो सर फार्मर लोगों को बहुत बेनिफिट, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फार्मर को ये पता नहीं चलता कि कब उसका क्रॉप का क्रॉप डालना चाहिए, किस प्रकार का वेदर क्लाइमेट रहेगा, उनका कोई डाटा नहीं अभी तक दिया नहीं। जो भी डाटा जो दे रहा था ऐसे एक दो स्टेशन से जो डाटा मिल रहा है उसी से हम लोग प्रोवाइड कर रहा था, दैट इज़ नॉट एक्यूरेट ऑल्सो। तो अभी इसका नेटवर्क जब बढ़ जाएगा तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा वेदर फोरकास्टिंग में। अच्छा, जो हम लोग जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह कर रहा था अरुणाचल में अभी तक, तो आप लोग भी इस टाइप का इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि धरती का नीचे, झरना का नीचे, समुद्र की गहराई तक नापेंगे क्या आप लोग? ये एक्चुअली देखो सेंटर फॉर आर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज बेसिकली फॉर द जियो डायनेमिक स्टडीज के लिए है। तो जितना भी जियोलॉजिकल एस्पेक्ट है अर्थ का अंदर जितना भी रिसोर्सेस उसको हम लोग ट्राई करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके ऊपर हम लोग डिटेल सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। प्लस हिमालयन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग है, तो इसका चलते हम लोग बहुत सारा जैसे IIT गुवाहाटी हो गया, खड़गपुर हो गया, उसके बाद में आपका कौन सा ये माइंस हो गया, इनसे हम लोग अभी MOU साइन करने जा रहा है सो देट कि हम लोग और टेक्निकल इनपुट्स मिले ताकि यहाँ का डिटेल स्टडीज करें। क्योंकि आपका ये ईस्टर्न हिमालयन जो है अभी तक अनस्टडीड अनटच्ड है, जो कि जियोलॉजी का सर्वे ऑफ इंडिया भी है, वाडा इंस्टीट्यूट भी है, इन लोगों ने बहुत काम तो किया, काफ़ी काम नहीं किया, लेकिन ईस्टर्न सेक्टर में जो है जैसे उत्तराखंड हो गया, ये सब जगह ऑलरेडी बहुत सारा कर चुका है, लैंड सब्सिडेंस के ऊपर भी कर चुका है, अरुणाचल में नहीं किया। तो अभी हम लोग बिगिन करने जा रहे हैं, जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं इसका।